Hello everyone, this is Dr. Neha Gupta from People's Clinics and my own space. आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं हाउ टू टीच और डेवलप नेम कॉल रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड टू नेम कॉल इन अ चाइल्ड. टू नेम कॉल या नेम कॉल रिस्पॉन्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम इनकाउंटर करते हैं और पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा नाम लेने पे सुन नहीं रहा. तो एग्जैक्टली रिस्पॉन्स टू नेम कॉल ये प्रॉब्लम होती क्या है? नॉर्मली बच्चे को जब आप आवाज़ देंगे तो वो कुछ भी कर रहा हो, वो आपकी वॉइस को परसीव करके आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा. अगर वो वर्बली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपकी तरफ टर्न करेगा या आपको आपके पास आएगा. तो जब बच्चे ये चीज़ नहीं करते तो वो चीज़ होती है कि उसका रिस्पॉन्स टू नेम कॉल इफेक्टिव नहीं है. अब हमारे पास ये प्रॉब्लम तो है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम उसे कई कई बार आवाज़ देते हैं बट वो फिर भी हमारी बात नहीं सुनता, तो उस केस में हमें क्या करना है? तो हमने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो तैयार किया है जिसमें हम एक टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो आपको हेल्प करेगी कि बच्चे से रिस्पॉन्स टू नेम कॉल या नेम कॉल रिस्पॉन्स एलिसिट करने में इजी रहेगा. सो लेट्स गो अहेड एंड वॉच द वीडियो. जो हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे वो है हमारी
वेरी नाइस। हो सकता है कि हमें सिर्फ इस तरह से आवाज लगाने पर ही बच्चे का रिस्पॉन्स मिल जाए। अगर इन केस हमें बच्चे का इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो हम शोल्डर को फिंगर से क्लैप करके राहुल राहुल इस तरह से हम उसकी अटेंशन ले सकते हैं। बट एक बात जो हमें याद रखनी है, हमें उसकी चिन से उसे रिसिस्ट नहीं करना कि वो हमें देखे। सिर्फ शोल्डर पे टैप करके या फिर उसका रिइंफोर्सर यूज करके हम उसे बुला सकते हैं। अगर ये सब का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने लगे, हमें बच्चा रिस्पॉन्स देने लगे, तो हम बच्चे और अपने बीच में जो गैप है उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि जब हमें ये होता है कि हम दूसरे रूम से उसे बुलाते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हम ये सब करने के बाद अपना गैप बढ़ाएंगे ताकि हमें बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो मिलने लगे। मेरे को बैग में आके रिस्पॉन्स मिल गया, अब मैं थोड़ी दूर से और गैप लेके बुला सकती हूँ, राहुल राहुल। इतने गैप से मुझे लगा कि मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया है, तब मैं दूसरे रूम से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बच्चे से कि वो मुझे रिस्पॉन्स देगा। एकदम से अगर मेरे को बैग से रिस्पॉन्स मिल गया, डायरेक्ट मैं सेकंड रूम से जाके आवाज लगाऊं कि राहुल, वो मुझे नहीं मिल सकता। तो पहले मैं बैग का ले लिया, फिर मैंने थोड़ा और गैप लिया, उसके बाद में थोड़ा और गैप लूंगी, तब मैं दूसरे रूम से उसे बुला के ये एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए। तो अभी आपने एक टेक्निक देखी जो हर एज ग्रुप के बच्चे के साथ एप्लीकेबल होती है। अगर बच्चा छोटा है उस टाइम अगर हम ये स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स जैसे रिस्पॉन्ड टू नेम कॉल, आई कॉन्टैक्ट, इमिटेशन, जॉइंट अटेंशन, ये सारी चीज़ें हम अचीव कर लेते हैं तो हमें आगे की स्किल्स डेवलप करने में कंपैरेटिवली थोड़ी आसानी होती है। अगर छोटे बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं तो हम आपको एक और तरीका दिखा रहे हैं जो इम्प्लीमेंट करना आसान भी है और उससे छोटे बच्चों का रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी आता है क्योंकि हमारा लेवल बच्चे के साथ बराबर हो जाता है। सो प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो। इस तरह से भी अगर हम जो स्कूल में भी होती है उनकी अटेंशन लेने के लिए इस तरह की अगर हम पोजीशन बनाएं तो भी हो सकता है हम बच्चे का जो आई कॉन्टेक्ट है रिस्पॉन्ड टू नेम के रिगार्डिंग वो हम इजीली ग्रास्प कर सकें। जैसे तरीके देखे, बच्चे का अगर हियरिंग ठीक है तो आप ये दोनों मेथड्स फॉलो करके देखिए। आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिल जाएगा और कंसिस्टेंसी रखेंगे। जैसा कि मेंशन किया गया वीडियो में, इरिटेट नहीं होना है, हमें उस पर काम करना है, हमें बच्चे का रिस्पॉन्स डेवलप करना है लेकिन बिना इरिटेशन के, बिना फ्रस्ट्रेशन के। इसमें थोड़ा सा टाइम बेशक हमें लग सकता है लेकिन वो अचीवेबल है और वो हो जाएगा। अगर आपने देखा कि ये सब चीज़ों के बाद भी डेवलप नहीं हो रहा तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चेक करनी है, जो है बच्चे का ऑडिटरी सेंसरी इशू। कई बार हमारे बच्चे ह्यूमन वॉइस फ्रीक्वेंसी को परसीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सेंसरी इशू। यहाँ पे एक और कारण आता है, उनका मिडिल ईयर का मसल इनएक्टिवेट होना। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कारण है तो भी ह्यूमन वॉइस परसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी और हमारे बच्चे रिस्पॉन्ड टू नेम कॉल नहीं दे पाएंगे। सो प्लीज़ रूल आउट कि आप बारी बारी करके एक एक चीज़ ट्राई करके रूल आउट करेंगे। पहले आप हियरिंग टेस्ट करेंगे, फिर आप ये वाली टेक्निक्स ट्राई करेंगे। अगर वर्कआउट नहीं करती है तो आप सेंसरी इशू रूल आउट करेंगे, वो भी वर्कआउट नहीं करती है तो हो सकता है बच्चा ह्यूमन वॉइस फ्रीक्वेंसी परसीव नहीं कर पा रहा, जिसके लिए हमारे पास म्यूजिक इंटरवेंशन है जैसे SSP या सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल। तो हमें बच्चे का इशू कंसिडर करके उसके बाद उस पर वर्क करना है, लेकिन आप ये तरीके ट्राई करिए एंड वी होप दैट दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू।